तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं और आपका इस बार फिफ्थ सेमेस्टर है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर की न्यू सिलेबस 2023-24 के बारे में बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे और कौन कौन से नए सब्जेक्ट को शामिल किया गया है और कौन कौन सी प्रकाशन का बुक परचेज करें ताकि हमारी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और सिलेबस के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे। तो दोस्तों, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर में टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे, जिसमें नंबर 1 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसे शॉर्टकट में IMED के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, इसमें आपको उद्यमिता के बारे में बताया जाता है कि उद्यमिता क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें IMED सब्जेक्ट में बताया जाता है। और दोस्तों, इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटन एग्जाम होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्विच गियर एंड प्रोडक्शन, इसे शॉर्टकट में SGP के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं। इसमें आपका 50 नंबर का रिटन एग्जाम होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 3 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्केडा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा स्केडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्वेशन। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया जाता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। दोस्तों, जैसे कि आपने थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट को पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड को पढ़ना होगा। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटन एग्जाम होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना होता है वो है इलेक्टिव सब्जेक्ट। दोस्तों, इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट होता है जो कि कॉलेज की तरफ से आपको चूज करके दिया जाता है। बहुत सारे कॉलेज RSE सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जैसे रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी इस सब्जेक्ट को देते हैं और बहुत सारे कॉलेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब्जेक्ट को देते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमम कॉलेज में रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी सब्जेक्ट को ही पढ़ाया जाता है। दोस्तों, इसमें आपका ओनली रिटन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल, वाइवा नहीं कराए जाते हैं। और दोस्तों, इसकी बुक भी आपको सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।